नमस्कार, मैं चंचल स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल चंचल के पिटारा में। तो दोस्तों, आज की रेसिपी कुछ खास ही है, जो कि बहुत ही कम लागत, बहुत ही कम ऑयल और मसाला में बनने वाला है। वो है पकौड़ी, सूजी की पकौड़ी। तो देखिए, कच्चा सूजी है जिसे हम हलवा उपमा बनाते हैं, वही एक कच्चा सूजी है जिसके आज हम पकौड़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम लागत में। कोई भी गेस्ट घर पर आए, फटाफट बना कर सर्व कर दिए। तो इसके मसाले हैं, देखिए, दो प्याज हमने लिया, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ये धनिया पत्ता है, और दो हमने हरी मिर्ची काट डाली है, और देखिए ये हमारा 50 ग्राम दही है, और ये सूजी तो है ही, तकरीबन 200 ग्राम हमने सूजी रखा है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना सूजी आपको, कितना मेंबर हैं। तो ये सूजी का पकौड़ी बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनने वाला है। तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, मगर इसमें नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, हल्का लाइट ही होता है, रहता है। तो चलिए, इसको हम कैसे करते हैं देखिए। तो सूजी में हम कटे हुए जो हमारे मिर्च थे वो डाल देती हूँ, ये प्याज को डाल देते हैं, अब यहाँ हम पानी नहीं डालेंगे, ये ध्यान में रखना है। यहाँ हम दही से इसको गूंथेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसे हम सॉफ्ट इसको गूंथेंगे। तो हम अपने हाथ से इसको मिलाएंगे, आप देखते हैं, कैमरे में देख रहे हैं आप। तो हम इसको हाथ से अपने चारों तरफ से इसको मसले, अगर कम पड़ता है तो ऊपर से हम और दही डालेंगे। अगर मात्रा दही की कम है, नहीं आपके पास है, तो आप पानी यहाँ डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा गूंथ चुका है, कितना सॉफ्ट है, ये हमारा डो तैयार है। तो यहाँ हम थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं ऊपर से, और किसी प्लेट से या ढक्कन से या तावल से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी बनने वाला है ये सूजी का पकौड़ी। तो देखिए, मैं 10 मिनट हो चुका है, इसे हम अपने हाथों से फिर से मिला लिए, और कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, ताकि हमारा ऑयल, आपको इसमें बनाना है मस्टर्ड ऑयल डालना चाहते हैं, मस्टर्ड या रिफाइन या घी, किसी चीज़ में आपकी पसंद से ऑयल डालकर तल लेते हैं। तो यहाँ हमारा कढ़ाई और तेल दोनों गर्म हो गया है, छोटे छोटे, यहाँ हम बड़े पकौड़े नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे डालते हैं। तो एक करते करते अपने साड़ी जो भी हमारी सूजी की पकौड़ियाँ हैं वो डालकर इसमें बनाएंगे, और आँच को यहाँ मीडियम कर देते हैं, ताकि हमारा अंदर से ये अच्छे से पक जाए। अब देख, एक साइड पकने के बाद हम दूसरी साइड पकाते हैं। तो इसको चम्मच से, छनटे से इसको पोजीशन इसका चेंज करते हैं, और आँच को मीडियम ही रखेंगे। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया से ये हमारा लाल लाल हो रहा है, पक रहा है। अब देखिए, इसे बिल्कुल अच्छे से लाल हो गए, तो इसे हम निकाल लेते हैं। एक बार हो गया, जो हमारा बचा है सूजी उसका हम दोबारा ऐसे ही डालकर बनाएंगे। हमारे पास जितना सूजी है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया से और कितना जल्दी और कितनी कम लागत में। तो देख रहे हैं हमारा पकौड़ी ये पूरा बनकर तैयार हो गया। आप इसे हरी चटनी, लाल चटनी, मिर्ची के साथ खाइए, आनंद लीजिए। घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो फटाफट यूं ही बनाइए, खिलाइए, बात करते करते ही बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ चाय की चुस्की हो जाए तो और ही मज़ा आएगा। और देखते रहे चंचल का पिटारा।